और भाई मंदिर के अंदर का सीन है यहाँ पर, देख पा रहे हैं तो देखिए मेले में हमारे सब्सक्राइबर हैं वो भी मिले यहाँ पर। और भाई साहब बोलिए क्या हाल है भाई? बढ़िया है भाई। कैसा लग रहा मेले में? बहुत बढ़िया। तो आज हम हाथस में चोए वाले महादेव, तो आपने सुना ही होगा हाथस के अंदर। अगर आप हाथस के हैं या बाहर के हैं तो आपने हाथस की सबसे फेमस जगह है यानी फेमस मंदिरों में से एक है हाथस का चोबे वाले महादेव जी का मंदिर। तो आज वहां पर सावन के हर सोमवार में मेला लगता है, तो इस सोमवार भी मेला लगा हुआ है। तो हम आज उस मेले में देखेंगे और क्या क्या नज़ारा है, मंदिर कैसा है, क्या सीन है, क्या नज़ारा है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी जो करंट लोकेशन में है वो है हम अभी हाथस में, ये रोड देख पा रहे हैं, ये रोड जो हाथस से सिकंदराबाद के लिए जा रहा है ये वो वाला रोड है। तो चलते हैं मेले की ओर, मेले में जाएंगे, सारी चीज़ देखने वाले हैं। वीडियो में लास्ट जरूर बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला, आप वीडियो को लास्ट जरूर देखिए, ठीक है। फाटक है जो तो बिजली क्वार्टर मिल चौराहा है, आगे है इधर साइड में, आगे देखेंगे आप तो वहाँ से पीछे वाला फाटक है जस्ट, तो वहीं पर चोबे वाले महादेव जी का मंदिर है। तो यहाँ फाटक से हो जाती है मेले की शुरुआत और करते हैं फाटक को क्रॉस आगे। ओके, और फाटक क्रॉस करने के बाद तुरंत ही आपको ये राइट साइड में, जैसे कि यहाँ से तीन रस्ता हुई है, एक इधर साइड और एक ये, तो ये है राइट साइड में, ठीक है। तो आपको राइट साइड में ही आपको यहाँ से ही मेला स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दुकानें हैं मेले की वो सारी चीज़ें वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए यहीं से दुकानें स्टार्ट हो गई हैं और वो भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे आगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, भीड़ का ना, भीड़ का काफ़ी कम भीड़ है अभी तो। देखिए यहाँ पर यहाँ देख पा रहे हैं फिर से, यहाँ पर लंबा रूट है यहाँ से। हम बात कर रहे हैं अगर फाटक से जैसे ही मुड़ जाते हैं तो फाटक से मुड़ने के बाद समथिंग मंदिर की जो दूरी है तो वो समथिंग 300 मीटर की समथिंग बैठेगी। तो आपको फाटक को करने के बाद में जो राइट हैंड साइड में समथिंग 300 मीटर की और जाना होगा, तब आपको मंदिर का गेट देखो, देख पा रहे हैं ये मेला लगा हुआ है यहाँ पर। अभी मेले में भीड़ ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी जो समय है वो समथिंग 9 यानी कि 9:30 का समय हो गया, यानी 9:30 बज गए हैं, तो इस वजह से थोड़ी भीड़ कम हो रही है मेले में क्योंकि अभी लोग जाने लगे हैं, ऐसा देख पा रहे हैं यहाँ पर। और अगर हम बात करें थोड़ा दिन की तो दिन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी बहुत दुकानें आई हुई हैं यहाँ पर, देख पा रहे हैं खिलौनों की दुकानें हैं। और अभी लाइट आई थी, लाइट तो अभी जा चुकी है, मुझे लगता है मेले की लाइट पूरे एरिया की लाइट जा चुकी है। लाइट्स की दुकान है यहाँ पर, आपको बहुत ही कम प्राइस में मेले में जो लाइटें मिलती हैं बच्चों को बहुत पसंद आती है ये वाली लाइटें। और देखिए जो मंदिर की मेन गेट की लाइट थी ना वो लाइट आ चुकी है, यहाँ से ये प्रसाद मिलता है आगे, जैसे ये मंदिर में अंदर मेन गेट है बाहर मंदिर का, अब गेट से बाहर यहाँ पर देखेंगे तो यहीं से प्रसाद मिलता है जो कि प्रसाद। तो देखिए अभी हम फाइनली मंदिर के मेन गेट पर आ गए हैं और अभी आपको दिखाते हैं मंदिर का मेन गेट, जहाँ पर पुलिस कर्मी भी लगाई गई थी, एंट्री हो जाती है। और आगे देखिए यहाँ से भीड़ काफ़ी देखने को मिल रही है आगे, तो और पास में जाते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें भीड़ देखने को मिल रही है और यहाँ पर भाई काफ़ी अच्छा सीन लग रहा है अंदर का, अंदर का मोमेंटम ना काफ़ी अच्छा है आगे। तो ये सर हमारे साथ और सर जा रहे हैं अंदर, चलिए सर आगे दिखाइए क्या मैटर है आगे का। ओके ओके, तो आज का मेला ना यही सर दिखाने वाले हैं, सारे पैसे यही खर्च करवाएंगे, इन्हीं के पैसे खर्च करवाने हैं आज मेले में। देखिए अभी तो कह रहे अभी मिलना मंदिर दर्शन करेंगे और उसके बाद इनकी जेब ढीली कराने हैं, पैसे खूब अच्छे खासे खर्च कराने हैं, बहुत पैसे हैं इनके पास। हाँ क्योंकि इनका अगर इनके नाम की बात करें तो इनका नाम ही रईस कुमार नाम है इनका। तो आप देख सकते हैं इनके जो रईस है ना वो नाम से झलकने लग जाती है इनकी। तो अभी देखते हैं, अभी तो दर्शन करेंगे मंदिर के और दर्शन करने के बाद ही इनके जेब ढीली करानी हो सकता है। तो देखिए फाइनली ये है चोबे वाले महादेव जी का मंदिर जो कि हाथरस में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा यहाँ की मान्यता मानी जाती है हाथरस में। तो जैसा कि अगर आप गूगल भी करते हैं कि चोबे वाले महादेव हाथरस, तो वहाँ भी आपको इनकी डिटेल्स है वो सारी चीज़ें देखने को मिली। और फाइनली अगर आप यहाँ वीडियो तक आ चुके हैं यहाँ तक, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, महादेव जी की कृपा आपका बनी रहेगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है ठीक है। महादेव जी की जय, भोले बाबा की जय हो प्रभु, ओके जय महादेव बाबा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है महादेव जी के मंदिर जो कि चोबे वाले महादेव जी के नाम से फेमस है हाथरस में, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफ़ी
अच्छी तरह से मंदिर को सजाया हुआ है। मंदिर परिसर के यहाँ पर पास में आपको दिखा देते हैं यहाँ से, तो ये देखिए काफी फेमस है यहाँ के शंकर भगवान जी, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बढ़िया तरीके से मंदिर की सजावट है और यहाँ पर ये पंडित जी में जाएंगे आपको देखने के लिए। ये आपको कैसा लगा मंदिर? ये है चोवे वाले महादेव जी का मंदिर, काफी औसम है मंदिर भाई। वाह मजा आ गया भाई, मजा आ गया। देखिए यहाँ से ना मंदिर के परिक्रमा भी करते हैं, जैसा कि अभी यहाँ पर देख नहीं पाए थे, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मंदिर में जो परिक्रमा करने की व्यवस्था है आपको, और पास से भी मंदिर दिखा देते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे पीछे भी श्री राम जी का मंदिर है, जैसा कि यहाँ पर देखिए जय श्री राम जय हो प्रभु। तो यहाँ पर देखिए श्री राम जी की प्रतिमा लगी। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पीछे जो चोवे वाले महादेव जी का मंदिर है, तो यही मंदिर है यहाँ पर जो कि काफी ज्यादा फेमस है। अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको गूगल पर मिल जाएगा, और जैसा कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पर। और तो यहाँ पर हर सावन का जो पहला जो सोमवार आता है, सोमवार के दिन यहाँ पर मेला लगता है, काफी बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। ताकि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभी तो साइड जो टाइम है वो 9:30 बज रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें 4 बजे और 3 बजे समथिंग तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अगर आपको भी कुछ अच्छा लग रहा हो, अगर आपको भी कुछ अलग लग रहा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड जय भोलेगी। जो भी भोलेगा भक्त चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ओके।